नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ ज्योतिष, धर्म, पर्व त्यौहार, ग्रहों का, राशियों का, नक्षत्रों का, हमारे पर असर, सारस्वती ग्रहण, तारा डूबना, ग्रह अस्तित्व आदि विषयों पर बात करता रहता हूँ। हमारा एक मासिक कार्यक्रम होता है जिसके अंतर्गत हम सूर्य का जो मासिक राशि परिवर्तन होता है, जिसे संक्रांति रूप में जाना जाता है एक माह का, उसके बारे में हर माह बात करते हैं। सूर्य का ये राशि परिवर्तन किसी भी तारीख को 15, 16, 17 के बीच में हो सकता है। आज मैं आपके साथ सूर्य के वृश्चिक राशि में जो होने वाले परिवर्तन है, 16 नवंबर को जो होगा सायं 6:32 से लेकर 16 दिसंबर 2018 9:10 प्रातः जो तक का जो समय, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। जब भी हम सूर्य के राशि परिवर्तन की बात करते हैं, दो ग्रह हमेशा आगे पीछे चलते हैं सूर्य के, बुध तथा शुक्र, तो इनकी भी बात करते हैं और इनका तीनों का मिला जुला प्रभाव हर लग्न हर राशि में हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। इस वर्ष में 16 नवंबर से 16 दिसंबर बुध ग्रह वृश्चिक राशि में भ्रमण करते रहेंगे। 21 नवंबर से 1 दिसंबर के मध्य थोड़े हिंसक होंगे क्योंकि अस्त होंगे, ज्वलनशील होंगे। शुक्र तुला राशि में अत्यधिक शुभ भ्रमण में होंगे। मंगल जो हैं ये कुंभ राशि में भ्रमण करेंगे और शनि की अत्यधिक क्रूर दृष्टि में विपरीत प्रभाव देने में सक्षम होंगे। अग्निकारक, दुर्घटनाकारक होंगे। विशेष करके 20 नवंबर से 5 दिसंबर का समय काफ़ी खराब हो सकता है सभी के लिए। गुरु जो है, जब वृश्चिक राशि के सूर्य की बात कर रहे हैं तो गुरु भी वृश्चिक राशि में भ्रमण कर रहे होंगे 16 नवंबर से 16 दिसंबर, परंतु 16 नवंबर से 7 दिसंबर में अस्त होंगे। तारा डूबना जिसे कहते हैं, ये ग्रह स्थिति बन रही होगी। डूबे तारे में सभी शुभ संस्कार, विवाह, सगाई, घर का निर्माण आरंभ करना, बेचना, संपत्ति का कोई भी बड़ा कार्य करना, भूमि का खरीदना बेचना, देव प्रतिष्ठा, मुंडन, यज्ञोपवीत संस्कार, वाहन का खरीदना बेचना, सारे शुभ संस्कार रुक जाते हैं, वर्जित हो जाते हैं। सूर्य का वृश्चिक लग्न पर क्या प्रभाव होगा, क्योंकि लग्नों के अनुसार ही उपाय बताते हैं, इसके बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। तुला लग्न के ऊपर सूर्य के वृश्चिक राशि का भ्रमण का प्रभाव क्या होगा, ये बात करने जा रहा हूँ आपसे। तुला लग्न से द्वितीय भाव में सूर्य पहुँचेंगे, वहाँ पे बुध और बृहस्पति पहले होंगे। द्वितीय भाव में 3 ग्रहों का जमावड़ा अच्छा ही संकेत देता है, क्योंकि सूर्य जो है लाभ स्थान के स्वामी भी हैं। न्यायालय से लाभ, किराए संपत्ति की बिकवाली से लाभ, रुके धन की प्राप्ति, ऐसे लाभ हो सकते हैं। परंतु अस्त ग्रहों से पेट और मुंह में छाले, नेत्रों में जलन, सर दर्द, हर्निया जैसा समस्या, आंतों और पेट में जलन जैसे रोग होते हैं। सर दर्द में माइग्रेन और चेहरे पे एलर्जी के निशान कभी कभार आते हैं। तनाव उपरांत नौकरी व्यापार में वृद्धि, यानी वृद्धि होगी, तरक्की होगी, ट्रांसफर होगी, परंतु तनाव भी होगा। घर और परिवार में भी थोड़ा तनावपूर्ण वातावरण रह सकता है। विवादों से भरा वातावरण विशेषकर 7 दिसंबर तक रहेगा बृहस्पति अस्त के कारण। इसी समय में पेट में जलन रहेगी। इस समय में झगड़े मुकदमों से बचना होगा। भाषा में सौम्यता रखनी होगी। क्रूरता, क्रोध नेत्रों में और भाषा में नजर ना आए। कला, साहित्य, संगीत से जुड़े होते हैं लोग तुला लग्न के, तो कला, साहित्य, संगीत, मीडिया, एडवर्टाइजिंग, शीशे का, क्रिस्टल्स का, अल्मोनियम का, चांदी का, सिल्क का और ज्वेलरी का और मिठाइयों का, ड्राई फ्रूट्स का, टू व्हीलर्स का, इंटीरियर का, ब्यूटिफिकेशन का कोई भी क्षेत्र हो, नर्सरी जैसे पौधों का व्यापार हो, सभी क्षेत्रों में उत्तम लाभ तथा वृद्धि और विकास के संकेत मिलते हैं। मंगल ग्रह की स्थिति खराब है, इसलिए जो इससे जुड़ा जो ये, क्योंकि धन और ये व्यापार का जीवन साथी से जुड़ा महत्वपूर्ण ग्रह है, धन यही देता है, इसलिए मंगल ग्रह खराब होने से जो है खेल, सुरक्षा, चिकित्सा, एग्रीकल्चर, किसान, तांबा, बिजली का क्षेत्र, इरिगेशन का क्षेत्र, मेडिसिन्स का, पेट्रोलियम का धन से जुड़ा क्षेत्र आपका हो, आर्थिक तनाव ये बने रहेंगे। कुछ मामूली दुर्घटना भी संभव हो सकती है, विशेष करके ये जो 20 नवंबर से 5 दिसंबर का समय है,
मंगल से जुड़ी बीमारियां जैसे यूरिक एसिड है, हड्डियों में जोड़ों का दर्द है, ब्लड प्रेशर है, बार बार गला खराब होना है, यदि हाई बीपी है और आयु 50 के ऊपर है तो पैरालिटिक स्ट्रोक के प्रति अत्यधिक सावधानी रखनी होती है, तथा नर्वस सिस्टम का ध्यान रखना, न्यूरो का ध्यान रखना, न्यूरो सिस्टम का, चिकित्सक से संपर्क में रहना, तनाव में नहीं जाना, व्यापारिक प्रेम पारिवारिक संबंधों में थोड़ा शांत रहना ये जरूरी होगा। मंगल का भ्रमण पंचम भाव में होने से गर्भस्थ स्त्रियों को विशेष रूप से ब्लड प्रेशर एसिडिटी से बचना होगा, आर्थिक और अन्य प्रकार के पारिवारिक तनाव जो उनसे दूर रहें, उनसे बचें, उनको डिस्कस ना करें क्योंकि मंगल काफ़ी ख़राब है। बाकी ग्रहों की बात हो रही है तो कुछ उपाय क्या हो सकते हैं, मंगल के जुड़े जो लोग हैं, मंगल के क्षेत्र से जुड़े हैं अथवा गर्भवती स्त्रियाँ हैं, अथवा यदि आपकी बड़ी संतान बीमार रहती हो या थोड़ा सा बच्चा शरारती होता है तो बड़ी संतान धन प्रेम विवाह व्यापारिक तनाव है तो रोज़ 5 बार राम रक्षा स्तोत्र या 5 बार हनुमान अष्टक या हनुमान चालीसा करें। शनि मंगल गुरु दशा चल रही हो, शनि की मंगल की अथवा बृहस्पति की दशा चल रही हो या 7.5 इत्यादि चल रही हो तो यदि प्रेगनेंसी ना भी हो, प्रेगनेंसी ना हो तभी हीरा सफ़ेद अथवा सफ़ेद पुखराज मूंगा तथा पन्ना धारण करें। हीरा सफ़ेद पुखराज में से एक हीरा 1 से 1.25 कैरेट अथवा उसके स्थान पर सफ़ेद पुखराज 6 से 7 रत्ती, मिडिल फिंगर में राइट हैंड में शुक्रवार के दिन मूंगा 6 रत्ती का, रिंग फिंगर में लेफ्ट हैंड में मंगलवार के दिन पन्ना, बुधवार के दिन स्मॉल फिंगर राइट हैंड में बुधवार के दिन। ये उपाय जीवन पर्यंत काम कर सकते हैं, सिर्फ एक माह की बात नहीं है, लग्न के ऊपर आधारित है। इसलिए नगों का धारण करना, सफ़ेद पुखराज और पन्ना और डायमंड, ये जीवन पर्यंत आपको ये रत्न आपको नुकसान नहीं करें आप यदि आपका लग्न तुला होगा तो। गुरु बुध मंगल ग्रहों के दान करना क्या है वो, चने की दाल, पीला वस्त्र, हल्दी, बुध के लिए मिश्री हरा कपड़ा और साबुत मूंग, मंगल के लिए गुड़ तांबे के बर्तन राजमा इत्यादि, इनका दाप करें। मंगल गायत्री का जाप करना, मंगल गायत्री इस प्रकार है, ओ मंगार काय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भव प्रचोदयात। इस मंत्र का मूंगे की माला अथवा लाल चंदन की माला, रुद्राक्षी माला से लाल गौमुखी में कम से कम 5 माला जाप रोज करें, जीवन भर करेंगे तो धन की कभी कमी नहीं होगी, मांगलिक असर, पारिवारिक तनाव, ब्लड प्रेशर सभी से आपको लाभ मिलेगा। धन का लेन देन, सट्टा, रिश्वत, नए प्रेम संबंध, इनसे बचें। विशेषकर 7 तारीख तक कोई भी और भी शुभ कार्य ना करें, परंतु इन चक्रों से बचे रहें, लेन देन, सट्टा, रिश्वत, नए प्रेम संबंध, धन को लेकर नैतिकता को बनाए रखें। 7 तक कोई भी शुभ कार्य आरम्भ ना करें। झगड़े मुकदमे से दूरी रखें, बिल्कुल नो। नमस्कार।